पूरे टाइम पे डाला करो, चाहे आप डेली का दिखा दिया करो। तो देखो मैं आटा बना रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ मैं। अब हम क्या करेंगे, कड़ी बची पड़ी है मेरे पास, उस कड़ी को मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और ये जो हम आटा यूज करते हैं अभी मल्टीग्रेन आटा, बड़ा अच्छा मिलता है, इंडिया का ही है, मेड इन इंडिया, बहुत अच्छा है, अच्छा मिलता है। बस अब आटा बनाऊंगी, इसके अंदर कड़ी ऐड करके थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे, और बीच में जैस मेरी हेल्प करती रहती है, थोड़ी थोड़ी बहुत हेल्प करती है मेरी बेटी मेरी हर एक काम में। और बस उसके बाद कड़ी के पराठे बनाएंगे। और फ्रेंड्स ये बना दिया है मैंने पराठा, और साथ में है सैलेड, और ये है मिर्च का अचार जो मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। मैं अचार वगैरह बना लेती हूँ तो इस तरह से, और इस तरह के जो पराठे हैं आप किसी भी सॉस के साथ, बटर के साथ, दही के साथ, अचार के साथ खा सकते हैं, और साथ में हो चाय तो बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट हो जाता है। और ये मेरी फ्रेंड ने बटर भी डाल दिया। तो फ्रेंड्स बन चुके हैं परांठे, आ जाओ फ्रेंड्स परांठे खा लो। और फ्रेंड्स अब हम आए थे थोड़ा सा घूमने के लिए बच्चों के साथ, और ही बैठी है जैस इधर, और ये रही अर्शमीत। हेलो। और ये अर्शमीत हमेशा की तरह इसको आगे प्ले करते है, कोई टैडी निकल आए, इसमें 1 यूरो डालना होता है, लेकिन हमेशा कुछ नहीं निकलता। ये ऐसे यहाँ इसको ऑपरेट करते हैं। भैया नमस्ते। और फ्रेंड्स यहाँ पर हैं डिफरेंट टाइप की इयररिंग्स, एक्सेसरीज थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की रिंग्स थी, क्या और भी था काफ़ी कुछ, जैसे चश्मे लगे हुए थे, अच्छे थे ये भी चश्मे भी, सारे देखने में अच्छे लग रहे थे। और फ्रेंड्स शॉपिंग हम कर चुके हैं, जो भी सामान लेना था ले चुके हैं, और अब जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। और ये रहे जैस, परमीत जी और अर्शमित आगे आगे भाग रहे हैं। जैस आगे आगे जा रही है, जैस की जो हम गाड़ी लेते हैं यहाँ पे वो पीछे पीछे आ रही है। जैस और यहाँ की लाइटिंग बहुत ही अच्छी है, गोल्डन सी, गोल्डन सा इफेक्ट लग रहा है यहाँ पर लाइटिंग। और ये रहे यहाँ पे बेड, इस तरह के पेड़ पौधे काफी दिखाई देते हैं यहाँ पर, जो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, रियल नहीं है लेकिन अच्छे लगते हैं देखने में काफी। जैसे ये रहे इंटीरियर डेकोरेशन के लिए भी अच्छा आइडिया है, जैसे किसी को घर पे इंटीरियर डेकोरेशन चाहिए अगर ग्रीनरी वाली। जैस मुझे बुला रही है, क्या हुआ जैस? हाँ भागो भागो भागो, जैस कहाँ गई? जैस ओ फ्रेंड्स, ये एक ही जैकेट पहनती है रेड वाली है, और जैकेट्स नहीं पहनती क्योंकि इसको ये लगता है कि अगर मुझे फुल स्लीव की जैकेट्स पहनाई तो मुझे क्रैच भेज देंगे। बस ये सोनम ने दी हुई है जैकेट, इसको बर्थडे पे गिफ्ट दी थी, इसी को ही पहनती है खुश होके, और कोई जैकेट नहीं पहनती। जैस कहाँ गए परमीत जी और अर्शमीत? दिख नहीं रहे कहीं पे। और अब यहाँ पे जैस खेलने लगे, बच्चों के लिए था प्लेइंग सेक्शन, पहले बंद किया हुआ था कोविड के टाइम में सब कुछ, बट अब ओपन है। और फ्रेंड्स ये जैसे बच्चों के लिए छोटी सी भूल भुलैया की तरह बना रखा है कि कहीं से चले जाओ और एग्जिट कहीं और से, इस तरह से बना है बच्चों के खेलने के लिए। जैस आ जाओ। और फ्रेंड्स यहाँ पर KFC भी मिलता है, बर्गर किंग भी है, पिज्जा हट भी है, सब कुछ है। और हमें मिल गए भैया, और भैया इस टाइम ड्यूटी पे थे और इन्होंने अचानक हमें देख लिया और हमसे मिलने आए। और फ्रेंड्स हमारा खाना आ चुका है, अब खा रहे हैं खाना।
और हमारे फ्रेंड्स भी बैठे हैं साथ में, लेकिन अभी वीडियो में नहीं आएंगे, इनका भी कोई रीजन है, बाद में आएंगे अभी वीडियो में। जी हेलो परमीत जी। जी जी जी, मैं आज ऐसी डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ। ओके। इन्फॉर्मेशन वाली नहीं, बस ऐसी डेली लाइफ की। ओके। और फ्रेंड्स ये हम सामान लेके आए हैं, ये लिया है जैस का अर्शमीत का लोवर, ये मैंने शूज लिए हैं, ये भी डिस्काउंट पे लगे हुए थे, वैसे प्राइस 60 यूरो था बट मुझे ये 25 यूरो में मिल गए। और भी दिखाती हूँ आपको सामान। और एक ये बैग है, ये छोटी सी किट लगी हुई है। और ये क्लचर है, और ये छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। ये शेप तो सबकी सर्कल ही है, साइज डिफरेंट है। और ये मैं अपने लेके आई कॉफी कलर की स्वेटर है, मेरी फ्रेंड भी लेके आई ऐसा ही सेम। और एक ही लेकर आई है जैस अपने लिए, नहीं अर्शमीत, जैस निकल रहा हूँ उसे, अर्शमीत लेके आई घर पहनने के लिए। सो फ्रेंड्स ये था हमने जो सामान खरीदा आज। और एक ये टी शर्ट है, और फ्रेंड्स ये मेरी फ्रेंड परफ्यूम लेके आई, इसमें दो परफ्यूम है। फ्रेंड्स ये मेरी फ्रेंड ने परफ्यूम लेके आई, इसमें दो परफ्यूम मिले हैं, और बड़ा ही सही प्राइस है। जारा में अगर परफ्यूम लेने हो आपको 10 यूरो में दो बोतल मिलेगी परफ्यूम की। और ये वो चप्पल लेके आई, और ये भी फ्रेंड इस तरह के ब्लेजर लगे हुए हैं, और बहुत ही सही प्राइस पे लगे हुए हैं इस तरह के ब्लेजर भी लड़कियों के, और प्राइस है सिर्फ 12 यूरो। तो 12 यूरो में बड़े अच्छे जारा में इस तरह के ब्लेजर लगे हुए हैं। और ये हम कुछ घर पहनने के लोवर वगैरह लेके आए, और ये घर पहनने के हैं, ये प्रीमार्क से हैं जो भी घर पहनने के कपड़े हैं। नहीं ये वहां से नहीं लिया, ये अलग जगह से लिया था, ये वाला वुमेन सीक्रेट के नाम से था, ये वहां से लिया था। सो फ्रेंड्स बस ये थी हमारी आज की शॉपिंग, जो हमने सामान खरीदा। और फ्रेंड्स आज बन रहा है हमारे घर में पंजाबी स्टाइल खाना, आज हम बना रहे हैं सरसों का साग और मक्की की रोटी, और दिखाती हूँ आपको साग कैसे मिलता है यहाँ पे। ये है यहाँ पर साग जो मिलता है कटा कटाया, इसको जस्ट हमें ये है कि हमें इसको तड़का लगाना है बस। और ये हो रहा है प्याज वगैरह फ्राई सब कुछ साग के लिए। यहाँ पे बन रहा है मक्की का आटा, गून रहे हैं मक्की का आटे की रोटी बनाएंगे, थोड़ा सा गेहूं का ऐड किया है इसमें। और फ्रेंड्स आज जो ये खाना बन रहा है पंजाबी स्टाइल खाना, इसके लिए हमारे पास स्पेशल शेफ है, मेरी फ्रेंड है, और वो है पंजाब से, मानसा से। और मानसा कहाँ पे है, बठिंडा के पास, बठिंडा के पास से है वो मानसा से। अभी वो वीडियो में आएंगे रहे, लेकिन जब आएंगे फिर मिलवाएंगे आप लोगों को उनके साथ। और वो बना रहे हैं आज हमारे यहाँ पर सरसों का साग और मक्की की रोटी। जब बन जाएगा पंजाबी स्टाइल खाना फिर आपको लुक दिखाएंगे उसकी। और ये फ्रेंड्स मसाला पक चुका है अच्छे तरीके से, और ये है साग, इस तरह का साग है ये, ऐसी कंसिस्टेंसी है इसकी। और फ्रेंड्स हमारी जो आज का जो मेन्यू है हमारा साग और मक्की की रोटी, वो तैयार हो चुका है। ये है खाने में सैलेड विद अचार, पचरंगा चार मिलता है यहाँ पर इंडियन ग्रोसरी शॉप पे, और ये है साग विद बटर और मक्की की रोटी। और अब हम देंगे परमीत जी को खाने के लिए, और परमीत जी खाने के लिए बैठ चुके हैं। कैसा लगा आपको खाना आज का? बहुत बढ़िया जी, याद आ गई घर की हरियाणा की? बिल्कुल, अचार दे दिए भाई। अचार और चाहिए आपको? ओके, जैस की लगी है साथ में खाना खाने के लिए। मेरे को दूसरा चाहिए। दूसरा कौन सा? सो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।